और खबर विकास नगर से अनिल दुबे की रिपोर्ट। लाठी डंडों से चौकीदार की निर्मम हत्या। विकास नगर के कैनाल बाईपास रोड बसंतपुर रसूलपुर में देर रात वर्कशॉप के एक चौकीदार की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। बताते चले कि विकास नगर के रसूलपुर प्राथमिक विद्यालय के सामने स्थित जावेद मोटर वर्कशॉप में चौकीदार राजकुमार पिछले 4 सालों से चौकीदारी कर रहा था, जो कि डोईवाला थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी देर रात किसी अज्ञात के द्वारा उसी के डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी विकास नगर संदीप नेगी ने बताया कि राजकुमार नाम के चौकीदार की रात हत्या कर दी गई। वर्कशॉप में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है, जिसे पुलिस के द्वारा जांच करने के साथ ही आसपास के लोगों में भी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। जल्द ही पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। अभी सूचना मिली है कि सुबह एक यहाँ पर चौकीदार काम करता था, जिसका कि मर्डर हो गया और उसके लाठी डंडों से मार करके उसकी हत्या की गई है। मौके पर आए हैं और इसकी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेजों को देखा जा रहा है और जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा। प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि जैसे कि उसके सर पे डंडों के हैं निशान और डंडे से मारता हुआ दिख रहा है, तो अभी पहले तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसके द्वारा मारा गया है, परंतु अभी सीसीटीवी फुटेज का हम अवलोकन करेंगे और उसके बाद फिर जानकारी प्राप्त होगी। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।